बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेट सोलर। और आज के व्लॉग में हम आपको अपना एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे जो कि हमने इससे पहले यहाँ पे लगाया था। मैट्रिक्स के 5 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स लगाए थे जो कि पैरेलल किए हुए थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशूज़ थे जिसकी वजह से हमने फिर इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर दिया है। और अब हमने यहाँ पर मैट्रिक्स का ही 10 किलोवाट का सिंगल फेज़ का इन्वर्टर यहाँ पर एड ऑन किया है। यहाँ पे टोटल हमारी फोनेक्स की 8 ट्यूबुलर बैटरीज TX3500 अटैच हैं। 12 सोलर पैनल जो हैं वो 545 वाट के अटैच हैं मोनोपर्क राइजन के। और इस वक्त आपको दिखाते हैं कि इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है, जो भी अभी हमने जो अपडेशन की है उस अपडेशन के हवाले से आज की जो वीडियो जो है वो आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट मॉडल है मैट्रिक्स 2.0 10 किलोवाट, ये इस वक्त यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पे जो डीबी बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये हमारे 2 इन्वर्टर्स के हिसाब से डिज़ाइन थे। इसमें से आधा डीबी बॉक्स जो है वो हर चीज़ का अभी इस्तेमाल हो रहा है, बाकी चीज़ें हमने स्टैंड बाय में छोड़ दी हैं कि जब हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद फर्दर अपग्रेड करते हैं पैनल्स वगैरह लगा के तो ये चीज़ें इंशाल्लाह यूटिलाइज इनकी हो जाएंगी। तो इन्वर्टर का लुक हम आपको दे दें। इसके साथ ही यहाँ पर फोनेक्स की TX3500 की ट्यूबुलर बैटरीज अटैच हैं। 8 बैटरीज हमने इस वजह से यहाँ पर अटैच की हैं कि ये स्कीम 33 पोस्ट ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे इस वक्त के इलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है। तो इस घर के अंदर 2 फ्रिज और लाइटने पंखे जो हैं वो 24 घंटे इसी सिस्टम पे रन होते हैं, प्लस एयर कूलर भी। तो ये सिस्टम इनका इन 8 बैटरीज पे इजीली मेंटेन है। तो 24 आवर्स के हिसाब से ये इनका सिस्टम जो है वो आइडियली डिज़ाइन किया गया है, जो कि ये सक्सेसफुली जो है तकरीबन गुज़िश्ता 8 माह से यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें 12 पैनल्स अटैच हैं। 12 पैनल्स ऊपर तो भी मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको एक लुक दे देता हूँ कि 12 पैनल्स किस तरह से जो है ना वो अटैच किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये पैनल्स का व्यू है। यहाँ पे L3 के स्ट्रक्चर डले हुए हैं 4, और ये स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है वो टोटल 12 पैनल आए हुए हैं। 6-6 पैनल के ये पेयर्स हैं, और ये 6-6 पैनल के पेयर्स ही नीचे की तरफ उधर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट फेज़ में जो है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चरिंग के साथ जो है मज़ीद 12 पैनल्स ऐड करके इस प्रोजेक्ट को इन्हेंस किया जाएगा। इस वक्त ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये छत के ऊपर है, और तकरीबन ये 4th फ्लोर बन जाता है जिस हाइट पे ये पैनल्स हैं। अल्लाह का शुक्र जो भी रिसेंटली हवाएं वगैरह चली थी तो उसमें ये सारा सिस्टम जो है वो सेफ रहा था। तो ये टोटल ही आउट इन्वायरमेंट में लगा हुआ है, लेकिन इसका रिज़ल्ट वगैरह प्रॉपर है जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है। इसको मज़ीद टेक्निकली हमने इन्हेंस किया कि अगर इस पर AC वगैरह मज़ीद पैनल्स वगैरह भी ऐड करते हैं तो इनको आगे चल के किसी भी किस्म का इशू फेस ना करना पड़े। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपके कोई ओपिनियन है, कोई आपके सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वक्त क्या जनरेशन हो रही है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वक्त रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं या मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, दैट इज़ सोलर इनपुट इस वक्त हमें तकरीबन 1.9 किलोवाट रिसीव हो रहे हैं सोलर से। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि एक व्यू मिल जाए किसी ना किसी तरीके से। तो इस वक्त 1925 वाट जो है हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। हमने इसके दोनों स्टिंग जो है वो यूटिलाइज़ किए हुए हैं। इसी तरह से अगर हम बैटरी की तरफ आ जाते हैं तो हमारी बैटरी जो है वो तकरीबन 16 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। 15 से 16 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, और घर का लोड जो है अराउंड 450 वाट के करीब चल रहा है। तो नॉर्मली दिन में यही लोड रहता है, इसमें आपके फ्रिज आ जाते हैं, पानी का मोटर वगैरह चलता है, इस्त्री चलती है, तो वो फिर आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुअली लोड बढ़ता भी है कम भी होता है। तो इस तरह से बहरहाल ये सिस्टम जो है वो वर्किंग कर रहा है। तो ये इसका करंट स्टेटस है। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल जो इसकी कैलकुलेशंस हैं उसके हवाले से अगर आप मुझसे रابطہ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, तो आप इंस्टॉलेशंस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।